हम रुकेंगे नहीं खिलाएंगे जय हिंद दोस्तों। चलिए आइए सिपाही के हमारे शेरों तो किसी और का शब्द है, अजीत कुमार जय हिंद। जय हिंद अजीत बच्चा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है, पहला क्वेश्चन आपका क्या तेज होगा, 32 की पावर 32 की भाग 7 करने पर शेष क्या होगा। मिस्टर सूरज मौर्य ऑफिसियल जय हो गुरुदेव प्रणाम, राजा हो जाओ बच्चा। देवेंद्र मेहता जय हिंद। तो आप इस सवाल का जवाब मुझे जल्दी से जल्दी दो, जितने लोग आएंगे लाइक करते हुए आएंगे, जो भी आएगा लाइक करके आएगा, बहुत तेजी से हमें इस सवाल का जवाब दीजिए आप, जल्दी से आप हमको जवाब दीजिए इस सवाल का क्या है। आई वॉन्ट टू नो योर आंसर, मैं आपके मतलब मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। गुड 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 गुड, पहले जरा लगा लो मेरे भैया, जरा लगा लो इस सवाल को, बढ़िया सवाल है, पूछा गया। जब भी किसी को मिलेगा सिपाही वाले एग्जाम में ना, तो उसकी खटिया खड़ी कर देगा निखिल, सही है ना। जब भी किसी को मिलेगा एग्जाम में उसकी खटिया खड़ी कर देगा ये सवाल। तो चलो देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, इसका करेक्ट आंसर क्या है मेरे भाई, चार। कैसे, 32 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 भाग 7 से करना है। किससे भाग करना है, 7 से करना है। तो अब मुझे क्या करना होगा इस सवाल को, वेरी गुड सूरज, इस सवाल को कैसे सॉल्व करना होगा। 32 को लिख दिया 28 प्लस 4, क्या लिख दिया 28 प्लस 4 की पावर में 32 की पावर में 32 डिवाइड कर दिया 7 से। अब 7 से 28 पूरा पूरा कट गया, सवाल थोड़ा सा औकात में आ गया। 4 की पावर 32 की पावर 32 को 7 से भाग किया। अब यहां से मैंने टोसेंट मेथड यूज किया, कौन सा मेथड, टोसेंट मेथड। कैसे सर, 7 का टोसेंट 6 होता है। अब इस 32 को लिखा 36 माइनस 4 की पावर में 32 की पावर में 32 डिवाइड बाय 7 है, 7 का टोसेंट 6, इसको पूरा पूरा कट कर देगा। और आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 4 की किसी भी पावर को 6 से भाग करने पर शेष हमेशा 4 आता है। तो अब 4, अब ये देखिए कितना, 256 हो जाएगा, 256 को 7 से भाग लगाएंगे, 7 * 21 = 42, और हमारा जो शेष आएगा मेरे भाई वो 4 आएगा। इस सवाल को नजरों में बैठा लेना जय हिंद ज्योति, अगर ये सवाल आएगा तो वही बच्चा कर पाएगा जो पहले कभी क्लास में किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 1300 में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है, लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1300 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज। अब आगे से मैं इस क्वेश्चन पेपर को, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं लेकिन फिर भी हमें, मुझे नहीं लगता कि जो बंदा हिंदी नहीं जानेगा वो सिपाही एग्जाम कैसे देगा। जय हिंद अंकित, जरा बताओ फटाफट सवाल का आंसर दो। तो देखो मेरे भाई, अगर मैं 1300 में से, कॉमन सेंस यूज करना है थोड़ा सा, वैसे तो आपको पता है 1296 होता है, यहां भी 4 ही आएगा। 1300 में से 2 घटाऊंगा तो इकाई पर 8 आएगा, 8 इकाई पे नहीं आ सकता। 3 घटाऊंगा तो 7 आएगा, 7 इकाई पे नहीं आ सकता। 4 घटाऊंगा 1296 आ जाएगा, और यही तो 36 का वर्ग है, अर्थात कि हाँ वेरी गुड, अर्थात करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/4 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/4 से बड़ा है, विच फ्रैक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4। तो देखो अब यहां लिख लो, अब तुम्हारे दिमाग में अगर 35/71 है 3/4, गुणा करो 4 * 5 = 20, 4 * 3 = 12, 2 = 14, यहाँ गुणा करो 7 * 3 = 210, यही बड़ा है।
तो ये तो हो नहीं सकता। 13/20 है मेरे भाई, 3/4 है, 13 चौका 52, 20 तिहाई 60, ये भी बड़ा नहीं है। अब 19/24 लिख लो मेरे बच्चे, 19/24 3/4, 19 चौक 76, 19 चौक 76, 24 तिहाई 72, यही आपका डी ऑप्शन बड़ा है। कौन सा बड़ा है, सी कैसे हो रहा है, डी ऑप्शन इसका बड़ा होगा। क्वेश्चन का नंबर लिखे डी, कितना हो जाएगा, 19 चौक 76 और 24 तिहाई 72, तो 76 बड़ा हो गया। तो ये आपका डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। जरा सिस्टम को शेयर भी कर दो, जो भी ग्रुप में आप जुड़े हो शेयर कर दिया करो यार। 4.2 - 1.4 - 6 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, 4 2 6 6 में से गया 5 5 में से 6 गया -1 -1 + 9 = 8 आएगा, 8 तो यहाँ कोई आ नहीं रहा, इसका मतलब इसकी ऐसी तैसी, तो 14 6 20, 4 रुपया 20 पैसा में से 20 पैसा ना 14 6 20 का 2 घटाना पड़ेगा ना, 2 घटाना पड़ेगा तो 2.2 आ जाएगा। देखो जब भी मैंने झंडू बाम क्वेश्चन किया है तो जरूर मेरा हाथ कांपा है। द एसटीएफ ऑफ टू नंबर इज 13, एलसीएम इज 455, वन ऑफ दीज नंबर इज, मतलब दो संख्याओं का एसटीएफ 13 तथा एलसीएम 455 है, इनमें से एक संख्या 75 तथा 125 के बीच में है, वही वाली संख्या बता दो जो 75 और 125 के बीच में हो। तो देखो भैया वह संख्या 75 से बड़ी है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अगर एसटीएफ 13 है तो संख्या 13 से कटनी चाहिए, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर बी है, क्या है, करेक्ट आंसर बी है, करेक्ट आंसर बी, बी करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। अब आपको कॉमन सेंस भी यूज करना है, कॉमन सेंस मतलब कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। 7 संख्याओं का औसत 18 है, 7 संख्याओं का औसत 18 है, हर एक संख्या में 5 जोड़ दिया जाएगा, औसत में भी 5 जुड़ जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर 23 हो जाएगा। जो हमारे बच्चे लगातार लाइव मॉक में है और रात को मैराथन में भी आ जाते हैं अगर पढ़ने का मन करता है, जब वो कहीं टेस्ट दे रहे हैं तो 20 में आउट ऑफ, मतलब मैथ में 20 out of 20, रीजनिंग में 19, जा समझ रहे कि नहीं, हिंदी में भी 20 या 19, तो ये बहुत बड़ा फर्क आएगा, यहाँ से बहुत बड़ा फर्क आएगा। आ जाओ अगले सवाल पे आ जाओ। दो संख्याएं 11:9 के रेशियो में है, उन दोनों का योग 40 है, तो 11 9 20, 20 = 40 है, तो 1 = 2 होगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर फैक्टर काम करेगा, तो हमें समझ में आना चाहिए कि 2 अगर आएगा तो हमें 4 करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर रेशियो वाले में स्क्वायर फैक्टर काम। कैसे, जैसे आपने कह दिया 11x और 9x, तो 11 9 20 हो गया, बराबर कितना है 40 है, तो यहाँ से आपको पता चल गया 20x = 40, तो x = 2। अब जब मैं 11x * 9x करूंगा मेरे भाई, तो आ जाएगा 99x2, 99 तो 99 है, एक्स स्क्वायर का मान 4 आ जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो आपने कहा सर हमारा करेक्ट आंसर 396 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 396 आ जाएगा। अगले सवाल पे चलो। आर्मी एसएससी जीडी यूपीपी की तैयारी करने वालों, अगर आप सही में सिलेक्शन चाहते हो, आप ये इस बात को लेकर कृत संकल्पित हो कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो आप हमसे जुड़ जाओ, हम आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देंगे। 9696330033 पे कॉल करें। अगला सवाल देखिए। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपया लगाया, बी ने 36, कितना, ए ने 21 लगाया, बी ने 36 लगाया, हाँ, यदि एक साल के अंदर प्रत्येक को बराबर लाभ हुआ, इसने 12 महीना लगाया, इसने पता नहीं कितना लगाया, और जो लाभ है ना बराबर बराबर बटा, तो 12 तिहाई 36, 3 7 21, मतलब टी का धन 7 महीने तक तो मार्केट में था, अगर 7 महीने तक था तो कितने महीने बाद आया, आपसे कह रहा है शुभम वर्मा जय हिंद, आपसे कह रहा है कितने महीने बाद आया, तो इस सवाल का जबरदस्त आंसर 5 हो जाएगा, 7 में गलती करने की संभावना बहुत ज्यादा होगी,
इससे संभलिएगा मेरे भाई। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी, 65% देखो 5% बराबर 1/20 होता है, तो 65% का मतलब 13/20 होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फेल होने वाले 168 हैं, तो 35% का मतलब 7/20 होगा, कितना होगा 7/20। तो मेरे भाई 7/20 की संख्या 168 है, कितने की 7/20, तो यहां से 1/20 ले लो, 7 × 2 = 14, 7 × 4 = 28। अब कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको 13 से, 13 × 4 = 52, इकाई पर दो एक जगह अगर मिला तो हम हर हर महादेव ज्योति मिश्रा जी, तो आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या किसी बंदे को डाउट है, अगले सवाल पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा। आप बहुत पिछड़ जा रहे हैं या मैं बहुत तेज चल रहा हूं, आप बहुत पिछड़ जा रहे हैं या मैं बहुत तेज चल रहा हूं। इस वर्ष रमन के वेतन में 5% की वृद्धि हो गई, 5% की वृद्धि, उसका वर्तमान वेतन 1806 है। कहने का मतलब ये हो गया मेरे भाई कि 105 की वैल्यू 1806 है, 105 की वैल्यू कितना है 1806 है। तो अगर मैं इसको 21 से काटूंगा तो 21 × 5 = 105 और 21 × 8 = 21 कितना हो जाएगा 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 168, 21 × 6 = 126, ठीक है। 21 × 5 = 105 और 21 से काट दो तो 21 × 6 = 168, तो कितना बच गया 12 × 21 = 126, 5 = 86, तो 100 = 20 से गुणा कर दो, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 1 = 17, कितना आ जाएगा 1720 आ जाएगा, 1720, कितना 1720 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्या आप सबको ये वाला सवाल समझ में आया, क्योंकि देखो बढ़ा हुआ वेतन 100+, घटा हुआ वेतन 100-, ओरिजिनल वेतन 100, तो हमको 105% की वैल्यू दिया था मेरे भाई, 105% से हमने इसको दोनों को 21 से काटा तो 5% की वैल्यू आ गई। 5 को 100 बनाना बहुत आसान था, तो हमने बहुत आसानी से 120 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, A% B% की दो क्रमागत छूटें किसके बराबर है, क्योंकि सिपाही ने इसको बहुत सम्मान दिया है, बार बार इस क्वेश्चन को दे रहा हूं जिससे अगर आ जाए तो आपका टाइम किल ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 225 रुपया, 5 × 5 = 25, कितने धन का 5 × 5 = 25, कितने पर 1000 पर, 1000 पे 250, कितने पर 1000 पे, 5 × 5 = 25, तो 25 का गुणा कितने में करें 250 है, इसी में करना पड़ेगा, अतः हमारे इस सवाल का आंसर 1000 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगर कहीं किसी को डाउट हो तो बताना मेरे भाई, क्योंकि अभी अभी आपका TA में भी और ACC में भी ऐसे इस प्रकार के पद को सम्मान दिया गया, तो मैं हमेशा परीक्षा के हिसाब से चलता हूँ, क्या ट्रेंड चल रहा है। 18 जिल्दसाज मतलब बाइंडर जो किताबें बांधते हैं, 18 जिल्दसाज 10 दिनों में 900 किताबों को बांध देते हैं, 12 दिनों में 600 किताबों को बांधने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी, कितने जिल्दसाज है मेरे भाई 18 जिल्दसाज हैं, 10 दिनों में 600 किताबें हैं, कितने जिल्दसाज चाहिए पता नहीं, 12 दिनों में कितनी किताबें 900 चाहिए, कितना चाहिए 900, तो पहला तो 100 से 100 को खत्म ही कर लो, तो 9 × 18 = 12, 10 चाहिए मेरे भाई, कितने चाहिए 10 चाहिए, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर 10 इज द आंसर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे मेरे भाई, इतना तेज चलोगे तुम लोग तो रोल नंबर छपेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा बच्चा सेलेक्ट सफलता की तरफ बढ़ता है, तो मुझे लगता है मैं सेलेक्ट हो रहा हूं। आर्मी SSC GD UPP की तैयारी करने वाले सारे दोस्तों, आपसे अर्चित परिचित जो लोग भी हैं,
आप उनसे आप बोलो, अगर आप वो सेलेक्ट होना चाहते हैं, आपने अब देख लिया, अब जान लिया कितने प्रमाण मुझसे चाहिए, क्या कितना प्रमाण मुझे देना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी मैं अपने विद्यार्थियों का इंटरव्यू भी लेकर आ रहा हूँ जो सेलेक्ट होकर के गए हैं, उनमें से जैसे कोई इलाहाबाद की तरफ बढ़ेगा तो उसको मैं तुरंत बुलाऊंगा। तो हमसे जुड़ने के लिए 9696330033 पे कॉल करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी। तो आपने कहा 72 × 5/18, 18 × 72, 5 × 20 मीटर पर सेकेंड। रेलगाड़ी जब भी किसी बंदे को पार करेगी, किसी खंभे को पार करेगी, किसी पेड़ को पार करेगी, तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई। सर पीडीएफ कहाँ मिलता है मॉक का? आपके ग्रुप में जाता तो है, आपके ग्रुप में मॉक का पीडीएफ जाता है मेरे भाई। नहीं जाता है तो आज से जाएगा, अगर आपके ग्रुप में नहीं जाता है तो आज से जाएगा। टोटल पीडीएफ, पुराना जितना पीडीएफ चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सब के सब। एक समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 16√2 है, बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कैसा त्रिभुज है भैया? देखिए सवाल तो कम आता है आपका ज्योमेट्री टॉर्मेंटेशन वाले पोर्शन से, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मिस कर जाए। इसका एरिया क्या होगा? 1/2 × 16 × 16 तो कितना हो जाएगा? 16 × 8 = 128। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। देवेन मेहता 5 सेकेंड की 6 सेकेंड भैया टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। हाँ टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, वेरी गुड। देखिये ज्योति ने मेरा काम आसान कर दिया। वर्गाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर, उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई होता है। आपको इतना ही पता होना चाहिए, किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसको आप पार्श्व पृष्ठ कहते हैं, सेमी सरफेस एरिया बोलते हैं, वो कितना क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये दे रखा है मेरे भाई 60, हाइट दे रखा है 3, तो 4 × 12 तो 12a बराबर हो जाएगा 60, यहां से a आ जाएगा 5, a कितना आ जाएगा 5, एरिया कितना हो जाएगा 25। अच्छा एक चीज और, ये तो रहा इस सवाल को लगाने का तरीका, लेकिन जब वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा गुणे भुजा होगा, मतलब स्क्वायर में आएगा। ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो क्या हमें टाइम लगेगा? क्या हमें टाइम लगेगा? हमने कहा बिल्कुल टाइम लगने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीएफ ऑफ एक्स पावर 6। देखिए एक्स पावर 6 का मतलब क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इतना तो बेसिक अलजेब्रा आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो है कि नहीं है? अब ये क्या है? एक्स माइनस वाई, बोलो भैया, एक्स माइनस वाई और यहाँ पे क्या आएगा? एक्स माइनस वाई, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना समझ में आया वैल्यू पुट कर दिया करो। त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? जो त्रिभुज का केंद्रक होता है मेरे भाई, जो त्रिभुज का केंद्रक होता है, जो त्रिभुज का केंद्रक होता है वो हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। किसमें? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आइटम ऑफ ₹39 द प्रॉफिट इज इक्वल टू द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम एट व्हाट व्हिच एट व्हिच जस्ट परचेज, वस्तु की खरीदी, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक सवाल है, ठीक ठाक सवाल है। कैसा सवाल है मेरे भाई? ठीक ठाक सवाल है। जब भी कभी आपसे बोले कि उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने में वस्तु खरीदी गई, यहां आ जाना, 40 से 4 उठा लेना, 10 में 4 जोड़ देना, 14 चौका 56 आया, नहीं होगा।
30 में से 3 उठा लेना, 10 में 3 जोड़ देना, 13 या 39 हो जाएगा। और मुस्कुराते हुए मेरा नाम बता के आगे बढ़ जाना, कोई बोलेगा तो बोलो मेरे भाइयों। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, आएगा तो तुम अब उड़ा के आओगे। 100 बार कह चुका हूँ, 1000 बार कह चुका हूँ, 1,00,000 बार कहूंगा, एमकेसी पब्लिकेशन किताबें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप बैठे हैं, आप इन किताबों को मंगाएं, 100% कंज्यूम करें, मुझको फोन करें, मुझसे रोल नंबर छपवाने की गारंटी लें। क्लाउड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राथमिक संख्याओं की वर्गों का योगफल क्या होगा? चलना, प्रथम 10 प्राथमिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? बोलो, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। बच्चा बच्चा याद किया, बच्चे बच्चों की याद, दूर दूर तक जब भी कोई बच्चा रोता है तो माँ बोलती है सो जा बेटे, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो मेरा बच्चा जब भी सब सवाल को देखता है टिक करके निकल लेता है। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है, 80% का मतलब 20% बचा, 20% का मान अगर 80 है तो 100% का मान कौन ऐसा बंदा होगा जो नहीं बता देगा 400। नेक्स्ट, 20% हानि पर बेची गई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती 60 रुपए ज्यादा, 20% हानि 20% लाभ दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 40 का, 40% बराबर 60, 60 तो 1% बराबर 150, तो 100% बराबर 150। अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं, आप जानते हैं इसके लिए मैं कुख्यात हूं। 9, 8, 7, 9, 7, 8, 56, 9, 504, 504 का मतलब 496, 49.6%। कितना मेरे बच्चे? 49.6%। कौन सी धनराशि 5 वर्ष में 520, 7 वर्ष में 568, 5 वर्ष में मेरे भाई 520, 7 वर्ष में 568, 2 साल का ब्याज कितना 48, 2 साल का ब्याज कितना 48, 1 साल का 24, 5 साल का 120, 500 में से 120 घटा देना 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। नेक्स्ट, 2000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दी गई है। पहले साल कितना है? पहले साल का ब्याज 4%, 4 × 8 80 रुपया ना हो। दूसरे साल का ब्याज कितना? दूसरे साल का ब्याज कितना? पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3%, तो फिर से 20 × 60 हो जाएगा, और इस 80 का 8 × 3 = 24, 2 रुपया 40 पैसा, 8 × 6 = 140, 2 = 42, 142.40, 142.40, 5 × 1 = 5, 3 × 7 = 4। कौन से बर्तन में दूध ज्यादा है? 5, 3, 2, 1, 3, 2, 7, 4, सही है ना? दूध ये 5 है या 6 है, अभी ये ज्यादा है, 4 है या 3 है, अभी भी ज्यादा है, 8 है 7 है, यही ज्यादा है, यही ज्यादा है। सेकंड वाला बर्तन कौन सा बर्तन? सेकंड वाला बर्तन। 27वां क्वेश्चन, 30 लीटर मिक्सर में दूध पानी 3:7, 10 = 30 है, 1 = 3 है, तो 9 और 21 आ गया, रेशियो 9 और 21 है। कह रहा कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी W मिला दो मेरे भाई, 3:7 हो जाए, 7 × 63 + 9W, 7 × 63 + 3:7 है ना, ये गलत हो गया, सात नवाई 63 + 7W = 21 × 9 = 30, ठीक है ना? 21 × 63 वेट, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? 30 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:7 है, दूध पानी का अनुपात, तो मतलब ये हो गया कि 9 लीटर दूध है, 21 लीटर पानी है, कितना पानी मिलाया जाए W, ये अनुपात क्या हो जाए? 3:7, 7 × 63 = 21 × 63 + 3, 30 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, पानी और दूध का अनुपात 5:3:7 है, तो 7×3 = 10, तो 9 लीटर पानी है, 21 लीटर दूध है, सही है। कह कितना पानी मिलाया जाए W जिससे ये अनुपात 3:7 का हो जाए, तो 7×9 = 63,
ना, 7 9 63 कितना हो रहा है, 7 9 63 प्लस 7W बराबर, कहाँ गलती हो रही कोई बताओ भाई, कोई है माई कलास जो बताए कहाँ गड़बड़ी हो रही है। 30 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:7 है, कितना पानी मिला जाए दूध का पानी से, ये अनुपात पलट रहा है यार, ये अनुपात पलट रहा है। अब लास्ट में दूध पानी दे दिया, दूध पानी क्या दे दिया, दूध पानी, तो 7 3 7 3 7 3 हो जाए, कितना हो जाए 7 3 तेरी जात की, 3 9 27 प्लस 3W बराबर 9 7 21 7 कितना, 7 1 7 7 2 14 सही है, 3W बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 और 2 कितना 40 लीटर, कितना आएगा 40 लीटर। अगला क्वेश्चन 8 और 2 का 8 2 16 करेक्ट आंसर कौन सा हो, अरे तृतीयानुपाती तो दशमलव दो गुणे दशमलव दो बटे दशमलव 8 तृतीयानुपाती है ना, तो 0.04/8 कितना आएगा, 0.05 आ जाएगा, 0.05। एक ही कार्य क्षमता 3-4 है, टाइम कितना हो जाएगा 4-3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4-3। नेक्स्ट और लास्ट, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता, बी की कार्य क्षमता ए से 25% ज्यादा है, अकेला कितना दिन में करेगा, बी की कार्य क्षमता मतलब बी और ए का रेशियो 5 और 4 का है, 4 इफिशियंसी से 6 दिन, 1 से 6 24 दिन, 5 से 24/5 दिन, 24/5 का मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों सर इंग्लिश में पढ़े क्वेश्चन, हाँ हाँ वो गलत हो गया मेरे भाई, चलो मिलते हैं अगले सेशन में। आज थोड़ा तेज इसलिए चलना पड़ा कि लगातार बैक टू बैक मॉक है। मिलते हैं 7:30 बजे सब लोग, 7:30 बजे एवरेज की वाट लगाने, इसी जगह पहले उसकी जय हिंद बच्चों, नमस्कार, वेलकम टू द मेजर कल्चर क्लासेस, दिस इज लाइव मॉक ऑफ यूपीपी, ओके, सो वी विल डील विद द 37 क्वेश्चंस ऑफ जीके, हम 37 सवालों को डील करेंगे, स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 19 के दायरे पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किस इकाई के खिलाफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ा दिया है, स्टेट, प्राइवेट सिटीजन्स, पार्लियामेंटेरियंस, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, NRIs, जय हिंद,
Where are all the aspirants? कहाँ हैं भाई सब के सब? कहीं भाग गए क्या? जो तुम हमें छोड़ के जाओगे बहुत पछताओगे। चले इधर देखो, सही जवाब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया है, अभी प्राइवेट सिटीजन के खिलाफ, आप वैसे बोल तो पहले भी बहुत कुछ सकते थे, अभी भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, तो कह रहे कहा गया है कि जो प्राइवेट सिटीजन होते हैं, जो नॉर्मली नागरिक होते हैं, सरकार नहीं, उनके खिलाफ अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, हम बोल सकते हैं। ठीक, तो कोई कुछ बोल देता है सोशल मीडिया पर तो सारे लोग उसके खिलाफ रिपोर्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुम हर जगह रिपोर्ट कर दोगे। ठीक, कुछ तो आपको सहना पड़ेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है? किस महीने में रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया जाता है? आनंद गुप्ता, जय हिंद। करेक्ट आंसर, दिस इज जनवरी। जनवरी में रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब उसको ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट नहीं कहेंगे। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय किस दिवाला और दिवालियापन संहिता से संबंधित है? विच यूनियन मिनिस्ट्री एसोसिएट विद विच इंसॉल्वेंसी? इट इज नॉट विच बैंक इंसॉल्वेंसी, इट इज द बैंक इंसॉल्वेंसी। ओके, सो प्लीज करेक्ट इट, बैंक इंसॉल्वेंसी। इट इज द इंसॉल्वेंसी, सिंपली द है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ओके, विच नहीं होना चाहिए। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय दिवाला और दिवालियापन संहिता से संबंधित है? स्पोर्ट्स से संबंधित है। कौन सा मंत्रालय? करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर सेट टू प्रोक्यूर आर्म्ड प्रीडेटर MQ-9A ड्रोन फ्रॉम विच कंट्री? भारतीय सशस्त्र बल किस देश से सशस्त्र प्रीडेटर MQ-9A ड्रोन खरीदने के लिए तैयार है? कौन सा ड्रोन, इस बात को ध्यान रखना, पहले देश पूछ ले कि किसी देश का इनमें से नाम दे दो आंसर हो, और फिर कहे कि ये ड्रोन, कौन सा ड्रोन इस देश से खरीदा जा रहा है, तो ध्यान देना। MQ-9A सवाल घुमा के पूछ सकता है, MQ-9A ड्रोन कहां से खरीदने की बात चल रही है, कहां से? यूएसए से चल रही है। नेक्स्ट, किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? क्या रिपोर्ट का नाम है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट किसने जारी की होगी भाई? निखिल शुक्ला, गुड। तो रिचेस्ट लोगों की आलोचना करने में जो नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल। दैट्स माय आंसर इज, आंसर इज ऑक्सफैम इंटरनेशनल, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। नोट डाउन इट, इट विल बी आस्क्ड डेफिनेटली, पक्का पूछा जाएगा कि सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की। हाल ही में समाचारों में देखी गई जियो चलाउन एलिगेंस कौन सी प्रजाति है? हाल ही में समाचारों में देखी गई जियो चलाउन्स एलिगेंस कौन सी प्रजाति है? कौन सी प्रजाति है? दिस इज इंडियन स्टार टॉर्टोइस, इंडियन स्टार टॉर्टोइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who had launched the inaugural edition of Sansad Ratna Award? Repeated question. सवाल रिपीट है, हम पहले भी करा चुके हैं इसे। यदुवीर यादव, तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया।
सर्वेश तुम्हारा भी एक आधी जवाब आ रहा है। सवाल बहुत टफ है या अजीब है, क्या हो गया है? अच्छा पता है, बहुत सही, कंफर्म एपीजे अब्दुल कलाम, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी एसएससी जीडी यूपीपी से संबंधित कोई भी बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9696330033 पर कॉल करें, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी इधर। नेक्स्ट, किलायु ज्वालामुखी जो खबरों में था किस देश में स्थित है? बहुत बार पूछा गया है ये किलायु, कई बार पूछा गया है, कई बार का मतलब सच में कई बार होता है। किलायु और मोस्ट एक्टिव वोल्केनो और है दुनिया का, आंसर नहीं आ रहे आप लोगों के, पढ़ाई वढ़ाई नहीं की क्या या पढ़ा नहीं है? टेस्ट फ्री है आपका, टाइम फ्री नहीं है। निखिल शुक्ला जी बी, कोई बात नहीं, सही जवाब क्या है? सी, हवाई द्वीप पर, यूएसए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा का राज्यत्व दिवस यानी इनका स्टेटहुड डे किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है भाई? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 जनवरी को, मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा का राजत्व दिवस कब? 21 जनवरी को। नेक्स्ट, खबरों में नजर आए शुभमन गिल किस खेल से जुड़े हैं? शुभमन गिल किस खेल से जुड़े हैं? इसका नाम नहीं सुना तो फिर दुनिया में क्या सुना, फिलहाल तो इसी का नाम चल रहा है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या है? क्रिकेट है। नेक्स्ट, प्राइमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी जो खबरों में देखी गई का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है भैया? सही जवाब क्या होगा? कैंसर। शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 2023 की मेजबानी किस शहर ने की? ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो क्या? गांधीनगर, मुंबई, मैसूर, कोची। सही जवाब क्या होगा? मुंबई में होने वाला है। विच कंट्री हैज ऑपरेटेड द बोइंग 737 मार्क्स फ्लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2019? बोइंग 737 फ्लाइट कौन उड़ाता है 2019 के बाद? सही जवाब क्या होगा? भारत, चीन, जापान, संयुक्त अरब अमीरात। सही जवाब क्या है? चीन। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य आधुनिक पोलो सागोल कांगजेई का जन्म स्थान है? बड़ा खतरनाक सवाल है भाई, चलो कोई नहीं बता सकते। मॉडर्न डे पोलो,
सगोल तांगजई मॉडर्न डे पोलो सगोल तांगजई क्या जवाब होना चाहिए? ऑप्शन बी मणिपुर। आर्मी एसएससी जीडी यूपीपी की ऑनलाइन तैयारी करने के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर के साथ आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं 9696330033 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, कौन सा एक ऐसा विलेख है जो दो भाषा में छुपा हुआ है, दो भाषाओं में, सब अशोक के हैं। सबके सब अशोक के अभिलेख है। सही जवाब क्या है? कांधार अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महिला ने मुगल काल के दौरान एक ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा, यानी हिस्टोरिकल क्रॉनिकल, हिस्टोरिकल अकाउंट, बताइए। चेक करते रहिए अपने आंसर, बताना कितने सही हुए, चेक करके बताइएगा कितने सही हुआ आप लोगों के। आज सबके सब गए कहां हैं? तो ये कौन है? गुलबदन बेगम, क्योंकि इसी ने लिखा था हुमायूं नामा अकबर के कहने पर। निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किया था? क्या बेहतरीन सवाल, किसने किया था बचाव? सोच के चक्कर में पड़ जाओगे और आंसर है चितरंजन दास। चितरंजन दास अगर नहीं होते ना तो अरविंद घोष को, ठीक, अरविंद घोष भूपेंद्र नाथ दत्त के साथ ही कहते हैं कि पूरी जेल वेल और फांसी फांसी होने के पूरे पूरे चांसेस थे, फिर बाद में यहाँ से चले जाकर के वो बच गए जब सी आर दास के, तो फिर पौंडिचेरी चले गए और विलय आश्रम खोल लिया। शिवा क्रेटर भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 कहां से आ गया भाई? डबल डिंग का 16 कितने सवाल हैं? गलती गलती। शिवा क्रेटर भारत में निकट में से किस स्थान के निकट स्थित है? शिवा क्रेटर भारत में निकट में से किस स्थान पर स्थित है? शिवा क्रेटर, सही जवाब क्या है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकीला तारा है? सबसे चमकीला तारा, ये एक्चुअल में सीरियस नहीं है, इसे साइरस बोलते हैं, ठीक है। सबसे चमकीला तारा, क्या होना चाहिए? सूर्य का सबसे नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, लेकिन सबसे चमकीला तारा साइरस। भारत में निम्नलिखित में से किस निकाय के कार्य केवल सलाहकारी प्रकृति तक ही सीमित है, यानी जो फंक्शंस है वो सिर्फ एडवाइजरी है, जो एडवाइजरी फंक्शंस है कौन से निकाय के हैं?
सही जवाब क्या होगा? विधान परिषद, क्योंकि सिर्फ यही, बाकी इसका भी थोड़ा बहुत रोल रहता है, इसका भी रहता है, इसका भी रहता है, लेकिन इसका कोई खास रोल नहीं होता, सिर्फ वैसे ही ये सजावटी है। निम्नलिखित में से किसके लिए चंदन शब्द का प्रयोग किया जाता है? चंदन बोले तो सैंडलवुड, सिनेमा के लिए, कन्नड़ सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, तमिल सिनेमा, दक्षिण भारतीय सिनेमा। बहुत बढ़िया सवाल है भाई ये, सैंडलवुड, जैसे हमारे क्या बोलते हैं बॉलीवुड, ऐसे ही मतलब हिंदी सिनेमा क्या बोलते हैं बॉलीवुड, ऐसे ही कन्नड़, कर्नाटक की भाषा कन्नड़, केरल की भाषा मलयालम, आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की तेलुगु, तमिल की तमिल। सैंडलवुड इस्तेमाल किया जाता है कन्नड़ सिनेमा के लिए। भारतीय तैराकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय तैराकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है स्विमिंग फेडरेशन का मुख्यालय, हेडक्वार्टर अहमदाबाद में? इतना लंबा सवाल। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण के कारण खुली हवा में संचारित हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गेट कोरोडेड बाय ओपन एयर ड्यू टू ऑक्सीडेशन? क्या आयरन पर कोई इफेक्ट पड़ता है, क्या कॉपर पर कोई इफेक्ट पड़ता है, क्या जिंक पर कोई इफेक्ट पड़ता है, एल्यूमिनियम पर कोई इफेक्ट पड़ता है? वैसे आयरन पर जिंक पढ़ा चढ़ाते हैं तो गैल्वेनाइजेशन हो जाता है, तो टफ हो जाता है और आयरन रस्टिंग नहीं होती है, लेकिन यहां जो दिया गया है सिंपल दिया गया अलग अलग कि किसी का ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा अगर एयर में खुला रहता है तो। आंसर क्या होना चाहिए? देवेंद्र मेहता नमस्कार सर, आंसर क्या होना चाहिए? आयरन, हाँ रस्टिंग होती है इसकी भी, ऑक्सीडेशन होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन ना हो, इम्पॉसिबल है ऑक्सीडेशन ना हो, और इसीलिए आंसर क्या होगा फिर इसका? 1, 2, 3, 4 एवरीथिंग कैन बी ऑक्सीडाइज। हेपेटाइटिस ए विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस इन यंग पीपल इज एन इन्फेक्शन ऑफ लिवर बाय। हेपेटाइटिस जो है वो नॉर्मली जॉन्डिस का प्रमुख कारण है और वो लीवर में होता है इन्फेक्शन में, तो वो इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, अमीबा की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, किसकी वजह से होता है? नेक्स्ट, इसका जवाब है वायरस। ये जवाब क्या है? वायरस। अरे कार्य की इकाइयों के बारे में लिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक जूल के बाद, एक जूल मतलब 10^7 अर्ग होता है, एक किलोग्राम मीटर मतलब एक जूल होता है, एक किलोग्राम मीटर मतलब 9.8 जूल होता है, एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है, बताइए। एन एम मतलब न्यूटन मीटर, तो कौन सा सही नहीं है? बताएं। सही जवाब क्या होगा? 1 किलोग्राम मीटर 1 जूल के बराबर नहीं होता, मतलब कितना होता है? 9.8 जूल के बराबर। 25% डिस्काउंट फ्रीडे के साथ बुक्स अवेलेबल है, तो आप जो भी बुक्स चाहें जिस विषय की मंगाइए। नेक्स्ट, खनिज कठोरता के मोहो पैमाने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नरम धातुएं हैं? यानी जो मिनरल की रिजिडिटी है वो किस पर मेजर की जाती है? मोहो स्केल पर। तो आपसे पूछा गया है कि आपको क्या करना है, सॉफ्ट मेटल बताना है कौन सा है, गोल्ड, कॉपर, डायमंड, थोरियम।
कौन से सॉफ्ट है, कौन से सॉफ्ट है? आपको इतना तो पता होगा कि सबसे कठोर कौन है उनमें। अगर इतना पता है सबसे कठोर कौन है तो फिर आप इतना भी बता सकते हैं कौन सा नहीं होगा। गोल्ड, प्योर गोल्ड बहुत ही मुलायम होता है, प्योर कॉपर बहुत मुलायम होता है, डायमंड सबसे कठोर, और थोरियम तो ऐसे ही होता है। तो एक दो चार आंसर होगा इसका, क्या होगा? एक दो चार। निम्नलिखित में से कौन अपने लिए शहर के आकार का मकबरा बनाने के लिए जिम्मेदार है? जिसने शहर के बराबर मकबरा बनवाया था, किसने बनवाया था ये? सही जवाब क्या है? किनसी हुआंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह किस महीने में मनाया जा रहा है? किस महीने में मनाया जाता है, मनाया जा रहा है? तो ये आंसर क्या होगा? फरवरी महीने में। नेक्स्ट, आवृत्ति की एसआई यूनिट क्या है? आवृत्ति को किस में मापते हैं? आवृत्ति की एसआई यूनिट क्या होती है भाई? आवृत्ति की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। नेक्स्ट, शिंकुला दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रस्तावित है? रिपीटेड क्वेश्चन। सिंकुला दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? रिपीटेड है। लद्दाख। नेक्स्ट, माउंट अन्नपूर्णा कहाँ स्थित है? भारत में वैसे हर कोने पे अन्नपूर्णा देवी मिलेगी आपको, लेकिन पूछा है माउंट अन्नपूर्णा। काफी है, अभी दो तीन तो बचे हैं। सही जवाब क्या है? नेपाल। ओडिशा पोर्ट सिटी जो खबरों में था किस देश में स्थित है? क्या सवाल पूछा है? ओडिशा पोर्ट सिटी जो खबरों में था किस राज्य में है, किस देश में है? जो ओडिशा पोर्ट सिटी है वो किस देश में भैया? यूक्रेन में। नहीं, भारत सरकार ने किस तारीख को देश के राष्ट्रगान को अपनाया था? भारत सरकार ने किस तारीख को देश के राष्ट्रगान को अपनाया था? सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, दोनों के दोनों उसी तारीख को अपनाए गए, 24 जनवरी 1950। जबकि झंडा अपनाया गया, नेशनल फ्लैग, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे भी कितने समय तक मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है? क्वेश्चन कहां से सिलेक्ट करते हैं ये ना पूछ, क्यों ज्यादा कठोर हो जा रहे क्या सवाल, बता दो भाई। अगर हो जा रहे हो तो बताओ, कुछ और किया जाए? नहीं, लेकिन तुम्हारे करने से कुछ होगा नहीं, होगा वही जेपी पुलिस में सवाल आएंगे। 6 महीने तक मंत्री बना सकते बिना सदस्यता के। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 199 से शुरू है, तो आप बिल्कुल एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप इसका फायदा उठाइए। भारत के निम्नलिखित में से किस एक मूल्य सूचकांक को मुख्य मुद्रा स्फीति मापने के लिए माना जाता है? जीडीपी डिफ्लेटर, सीपीआई एएल, एएल आरएल, सीपीआई आईडब्ल्यू, किसको किया जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन को मापने के लिए? हेडलाइन इन्फ्लेशन को मापने के लिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन हमेशा बड़ी बड़ी मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? WPI से। इसलिए आंसर क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चर लेबर रूरल एरिया। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI।
इससे मापते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, वो अखबारों में जो मुद्रा स्फीति का डाटा दिखता है वो WPI के बेसिस पर होता है। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री नहीं है? अरे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री नहीं है, वो वही जो राम रचना का, नहीं नहीं नहीं, वो वही जो यूपी पुलिस के एग्जामिनर रचना का, इसका मतलब है कि बाकी सभी जो इकोनॉमिस्ट है वो नोबेल प्राइज विनर हैं, चाहे वो एलिनोर ऑस्ट्रोम हो, ये तो पहली महिला है नोबेल प्राइज भी जीतने वाले, और जो अमर्त सेन है वो कल्याणकारी इकोनॉमिक्स यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जीते हैं, साइमन कुजनेस एनवायरमेंट वाले क्षेत्र में जीते हैं। सही जवाब क्या है? जॉन रॉबिन्सन, बहुत पुराने अर्थशास्त्री है, तो नोबेल पुरस्कार उनको मिला नहीं था। अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान माल निर्यात के लिए भारत का शीर्ष गंतव्य कौन सा देश है? आप कहेंगे सर अब तो 23 आ गया, अब 22 के सवाल पूछे 24 आ गया, अब क्यों रो रहे? हाँ बोला, एक्सपोर्ट के लिए गंतव्य, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम कहां को कर रहे थे? सबसे ज्यादा आंसर लगाओ USA, करेक्ट आंसर क्या होगा? USA। नेक्स्ट, बलबन द्वारा अपने दरबार में शुरू किए गए साष्टांग अनुष्ठान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? साष्टांग दंडवत करवा लेता, बोला नीचे लेट। नीचे विचार लटवा लेता था बलबन। पैर चुम्बा लेता था, और पैर चुमने की घटना को कहते थे पाइबोस। उसने पहले नहीं दिया था, होके जा रहा है। कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष भारत जहांगीर के दरबार में पहुंचा? भारत आया था 1608 में, पहुंचा 1609 में जहांगीर के दरबार में। भारत वो 1608 में आया था, लेकिन जहांगीर के दरबार में 1609 में पहुंचा। तो बच्चों ये थे आपके लिए पूरे के पूरे क्वेश्चन जीके के 37। अब अगले बार से मॉक टेस्ट में आपकी, अभी तो प्रमुख रूप से हम इंडिया जी के लेके आ रहे थे, अब लेके आएंगे यूपी की जी के भी, उसमें भी साथ होंगे, और यूपी की जी के से काफी सवाल आते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मॉक लगाते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। बहुत जल्दी ही हम आपके लिए धमाका और धमाल करने वाले हैं पुलिस वाले बच्चों के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत, नमस्कार। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबको जय हिंद, सबको गुड इवनिंग। देवेंद्र मेहता, अच्छा सीजदा, आप लोग GS पढ़ रहे हो। पलक सिंह, जय हिंद बेटा।
और सब लोग जीएस वाले हैं। आनंद गुप्ता शायद हिंदी पढ़े, हाँ बेटा तैयार हो गए तुम लोग? यदुवीर यादव जय हिंद बेटा। तो मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। इसमें रेखांकित शब्द आपका है और वह है ये, इसको शुद्ध करना है। इसको शुद्ध करना है महात्म्य को कि कौन सा शुद्ध होगा। आनंद गुप्ता जी पलक सिंह जी हाँ बेटा बिल्कुल सही है, सी आंसर होगा। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, इसमें शुद्ध करना कि क्या होगा। अजस्र के स्थान पर यह अशुद्ध है और इसी को क्या करना है, शुद्ध शब्द बताना, यानी वर्तनी शुद्धि है तो शुद्ध शब्द क्या होगा। अजस्र 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 दोनों एक ही जैसा दिख रहा है। ये बताना है कि इसमें से कौन सही होगा, दूसरे का भी। निखिल शुक्ला जय हिंद बेटा, कैसे हो? अब ये सही मैंने बताया है, अब इसमें से जो आपको सही लगे उसको बताओ बेटा। पलक सिंह सी, निखिल शुक्ला सी, आनंद गुप्ता सी, पलक सिंह सी, हाँ बेटा बिल्कुल अजस्र होता है ये जलधारा अजस्र रूप से, ही होगा इसका। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का शब्द चयन करें। कल्पना, धीवरी, जागरण, पुष्कर। निखिल शुक्ला देशज भाषा का शब्द का चयन करें। सर्वेश जायसवाल दूसरे का स्थिति, हाँ बेटा जैन सही था। तीसरे का बताइए बेटा। सर्वेश तीसरे का डी, जल्दी बताओ बेटा जल्दी। निखिल शुक्ला बी, यस ढीबरी है बेटा, ढीबरी डिबिया बियाना। खिड़की, लोटा,
अंटा, ये सब के सब क्या है? आपके नेचर शब्द है। दाहिना का तत्सम रूप है दक्षिण, दक्षिण, दाहिना, दाया। पलक सिंह भी, आनंद गुप्ता ए। दाहिना का तत्सम रूप है, सर्वेश का ए, निखिल का ए, पलक सिंह ए, तो अच्छा हुआ लेकर के चले आए इस शब्द को। दाहिना का तत्सम रूप दक्षिण होता है बेटा, और बाया यानी लोग कहते हैं बाया, तो बाया जो होता है उसको वाम कहते हैं और उसको कहते हैं दक्षिण, और इसी से शब्द बना है दक्षिण पंथी, यानी जो कंजर्वेटिव होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, परंपरावादी होते हैं, और वामपंथी यानी जो अपने आप को कहते हैं कि हम क्या है, एक तरह से हम डेवलप करने वाले होते हैं। तो इस तरह से दाया यानी आपको दाहिना से दक्षिणपंथी और बाया से वामपंथी बना हुआ है। अंधा पावे आंख तो पतियाए, अंधा पावे आंखें तो पतियाए का अर्थ है सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास जमना, असंभव की चाह होना, असंभव को संभव कर दिखाना। पलक सिंह, निखिल शुक्ला सबसे बेहतरीन आंसर है। अंधा पावे आंखें या आंख, सिंपल लिख सकते हो, आंखें लिख दिया है, सिंपल लिख दो बेटा आंख। अंधा पावे आंख तो पतियाए, निखिल शुक्ला अभी अभी बता दे रहा है बेटा। आनंद गुप्ता ए, बी होगा बेटा। जैसे अंधा आदमी जब वह जानता है कि हमारे जीवन में अंधेरा है, जब उसकी आंख मिल जाएगी तभी तो उसे विश्वास होगा, यानी अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास जमना। गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है, गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, गुरु के कथनानुसार कार्य करना। सर्वेश का भी, गुरु गुड़ चेला चीनी, बहुत लोग कहानी सुने, कहावत सुने हैं बेटा। पलक सिंह, सर्वेश का डी,
गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। देखो गुरु गुड़, गुड़ का मतलब कि अज्जा मीठा, और चेला का चीनी, तो गुड़ और चीनी में जो अंतर होता है वही आपका अंतर हो जाएगा ये चेला और चीनी में, चेला और गुरु में। हाँ निखिल शुक्ला का भी बिल्कुल सही है। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है धूर्त प्राणी, योग रोग ग्रसित होना, पेट तक लंबी दाढ़ी होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। निखिल शुक्ला भी, सर्वेश का भी। सर्वेश का डी। हाँ बेटा सर्वेश तुम्हारा आंसर सही है बिल्कुल। देखने में सीधा किंतु चालाक होना, पेट में दाढ़ी होना। बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। घर सिर पर उठा लिया, पीठ दिखा दिया, नाको चने चबवा दिया, हवाई किले बनवा दिया। बच्चों को जरा सी शरारत, बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक ने क्या कर दिया, घर सिर पर उठा लिया, पीठ दिखा दी, नाकों चने चबवा दिए, हवाई किले बना लिए। पलक सिंह डी सेवन का, निखिल का डी, निखिल का ए, सर्वेश का सी, पलक सिंह ए होगा बेटा। घर सिर पर उठा लिया, ठीकरा फूटना का अर्थ है जोर जोर से हंसना, दुखी होना, किसी के सर झूठा दोष लगाना, वर्तन तोड़ना। ठीकरा फूटना का अर्थ है सर्वेश का बी, जल्दी करो बेटा, इसका सी होगा बेटा, किसी के सर झूठा दोष लगाना। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, विरचित, उद्भावना, संघटना, या संघटना बना सकते हैं, रचना विन्यास। हाँ बेटा राइट था तुम्हारा, राइट था, हाँ बिल्कुल राइट था बेटा। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय अनुचित है ये बताना है। अनुचित का मतलब सही नहीं है,
किसी का आंसर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 10 निखिल का ए, आनंद गुप्ता भाग गया क्या या साधना भाग गई? सर्वेश का ए, निखिल का ए, नहीं बेटा बी रचित हो सकता है, किताब की संरचना हो सकता है, संगठना भी होगा, रचना विन्यास भी होगा, उद्भावना नहीं होगा, यानी भड़ास, मन की बात को बाहर निकालना संरचना के अंतर्गत नहीं होगा। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है नदी, व्याघ्र, सरिता, शेर। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है ग्यारह का किसी का आंसर नहीं आया। सर्वेश का भी, निखिल का भी, और कोई? शेर होता है बेटा, सिंह। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त, पवन सुत, बजरंग बली, कपीश्वर। कोई बात नहीं बेटा, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फलक सिंह डी, निखिल शुक्ला डी, फलक सिंह ए, यस राम भक्त होगा। हनुमान के लिए पावन सुत भी होता है, बजरंग बली भी होता है, और कपीश्वर, कपीधन ईश्वर, कपीश्वर होता है, तो ये भी है। यानी आपको कपीधन ईश्वर, धूसर किसका पर्याय है? अश्व का, मेघ का, गर्दभ का, आजा का। सर्वेश का एक, धूसर किसका पर्याय है? फटाफट करो बेटा, टाइम ज्यादा होने लगा। अब बेटा तुम लोगों के आंसर का इंतजार करेंगे तो हम टाइम हमारा गड़बड़ हो गया। ये होता है गर्दभ, गर्दभ का मतलब जानते ही हो, वैशाख नंदन।
गधा। निम्नलिखित में से जो शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। तरंगिणी, तटिनी, तरिणी, सरिता। ये बेटा ये होगा इसमें आवर्तक शब्द का विलोम है अप्रशस्त अनावर्तक अनुपसर्ग लगा दो। कौन गलत युग्म है अनुलोम विलोम अनिवार्य वैकल्पिक अमावस्या योगी अधुनातन प्राचीनतम अमावस्या और पूर्णिमा हो जाएगा सभी। योगी का भोगी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है शुक्ल का शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है यानी अंजोरिया अंधालिया। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है आपत्ति कि हमें इस बात पर ऐतराज है यानी आपत्ति है मूवी भी थी। मैं घर जाता हूं इस वाक्य में मुख क्रिया की पहचान करें। मैं घर जाता हूं मैं जाता हूं जाना मुख क्रिया जाना है। क्रिया कैसा शब्द है अविकारी विकारी विशेषण इनमें से कोई नहीं। विकारी शब्द होता है बेटा कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार क्रिया के रूप बदलते रहते हैं इसलिए क्रिया विकारी शब्द है। मीरा जोर से हंसी यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है अकर्मक प्रेरणार्थक द्विकर्मक सकर्मक। मीरा जोर से हंसी यह आपका अकर्मक क्रिया है। अजात शत्रु में कौन सा समास है ईश्वर होता है बहुव्रीहि समास। अजात शत्रु में जिसका कोई शत्रु ना हो। आजन्म आपका किसका ये इसमें समास है तो आजन्म में अव्ययी भाव है। वनवास में समास है वन में वास तत्पुरुष समास। उड्डयन का संधि विच्छेद है उत धन डयन उडू धन डयन उत धन अयन आधन भिन्न उत धन डयन। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है तपोगुण रामायण अतएव सज्जन राम धन अयन रामायण। गोश चरित की संधि है गोश चरित गौ चरति। ये आप देखो ये है इसके बाद क्या है ये आपका च है ऋचा वर्ग है तो ताला बिसा होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है पटना रामायण औरत गंगा। पटना भी एक शहर है रामायण भी एक ये आपकी पुस्तक है गंगा भी एक नदी है औरत में सारी ये जातिवाचक संज्ञा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है मिठाई चतुराई लड़ाई उतराई चतुर से चतुराई
मीठा से मिठाई नहीं होता है, मिठास होता है, ये आपका गलत है। यानी ये व्यक्तिवाचक है, ये मिठाई आपको जातिवाचक है न कि भाववाचक है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बस से यानी के द्वारा, करण तत्पुरुष है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा सेवक को कंबल देता है। अब आप ये तो बता दो, आसान है, जरा इसको बताओ तो बेटा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 31 को जरा हम भले ही 5-2 मिनट हम इंतजार करेंगे, कराएंगे इंतजार उनको। राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें कौन सा कारक है? फटाफट बेटा देखिए कौन बता दे रहा है। बी, आनंद गुप्ता का बी संबंध कारक। और कोई? पलक सिंह सी, सर्वेश का ए, आनंद गुप्ता ए, अच्छा बेटा हमने आप लोगों को बताया था कि राजा सेवक को कंबल देता है, तो ये दान में देता है, तो दान देने के अर्थ में जब बात होती है तो एक ही कारक होता है संप्रदान का, यानी राजा सेवक के लिए कंबल देता है या साधु को दक्षिणा दो, तो यह अभी आपका क्या हुआ? साधु के लिए दक्षिणा, तो ये सब संपाद, ये संप्रदान होगा बेटा, संपादन लिख दिया है, संप्रदान कारक होगा। वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है आजकल दिल्ली में है, क्रिया विशेषण है, या को ये अव्यय है कि सर्वनाम है कि क्रिया है? वह आजकल दिल्ली में है, क्वेश्चन तो आसान है, पलक सीन ए, गुड बेटा, क्रिया विशेषण है, आजकल क्रिया विशेषण है। साधु का स्त्रीलिंग शब्द है साधुनी, साध्वी, साधुआइन, साधुआइनी, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। सर्वेश जायसवाल का ये, इनका भी सही था। कमल बिष्ट ए, सबको जय हिंद। आपका क्वेश्चन नंबर बता दीजिए बेटा, सर्वेश का बी, कमल बिष्ट बी, हाँ बेटा ये सही है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द साध्वी। हिंदी वाक्य में साधारणता संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है, हाँ कैसे मिलती है? हिंदी में कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता कर्म क्रिया, कर्म कर्ता क्रिया, क्रिया कर्म कर्ता, मतलब कि सीक्वेंस बताना है, संरचना क्रम का मतलब कि सीक्वेंस बताना है आपको कि कौन पहले आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है। निखिल सी ज्यादा अच्छा है, मरुण बेरेत बी, सी ज्यादा अच्छा है, क्यों बेटा? इसमें कि 33 के आप कह रहे थे,
साधु आहिन नहीं बेटा, ज्यादा अच्छा साध्वी होता। पलक सिंह भी कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। आनंद गुप्ता भी मरुण बेरेत ये। कमल विष्ट भी कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। हाँ बेटा ये भी ही होगा इसमें। देखो हिंदी में ये होता है लेकिन इंग्लिश में उल्टा होता है, यानी अंग्रेजी में देखोगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, लेकिन अपने हिंदी में उल्टा होता है, यानी कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया होती है। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है अभिधा, तत्सम लक्षणा व्यंजना। एक दिन हम पढ़ाए थे बेटा निखिल शुक्ला का ये, एक दिन हम बताए भी थे बेटा आप लोगों को। अब आप लोगों को याद होगा कि नहीं, जिस दिन मैं शब्द बता रहा था तो इसको बताया था। आनंद गुप्ता डी, कमल का डी, सर्वेश का डी, तब मेरी बातों को आप लोगों ने, पलक सिंह ये, तब आप लोगों ने मेरी बातों को सुना नहीं। एक दिन मैं पढ़ा रहा था तो शब्द शक्ति के तीन प्रकार होते हैं, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। तो तीन प्रकार है तो कह रहा है कि नहीं है, तो नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पद क्रम से, भाषा से, छंद से, अलंकार से। शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। आनंद गुप्ता का भी, हाँ बेटा दो लोगों का सही था, आनंद गुप्ता पलक सिंह। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, पलक सिंह सर बी या इज राइट, बी भाषा से, पलक सिंह बी। पलक सिंह भी भाषा से। और लो वाक्य में शब्दों का क्रम सर्वेश का भी, आनंद गुप्ता भी। नहीं बेटा ये पद क्रम से होता है। शब्दों का क्रम हमने अभी बताया कि कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया प्लस अन्य बातें, इससे निर्धारित होता है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, बताओ आप लोग रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। निखिल शुक्ला ये, भाषा से नहीं बेटा पद क्रम से। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तीन। जल्दी बताओ बेटा, आइए। हाँ बेटा तीन। अरे आप लोग जानते ही हो सरल वाक्य,
मिश्र वाक और संयुक्त वाक तीन होते हैं। गुड, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।